हमारी मौजूदगी जो है काराकाट लोकसभा के दरियज पंचायत में है और बता दी कि बस लास्ट ही अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पवन सिंह के समर्थक जो कक्कू खान कट्टर समर्थक माने जा रहे हैं और जब से इनकी काराकाट लोकसभा में एंट्री हुई है लगातार सभी मंचों को उन्होंने पवन सिंह के साथ साझा किया है और क्षेत्र में मिल गए हैं और तमाम अपने साथियों के साथ अपने दल बल के साथ लगातार लोकसभा के क्षेत्र के भ्रमण में है। आइए हम जानते हैं कि जितनी सच्चाई के साथ जितनी ताकत के साथ पप्पू पवन सिंह को समर्थन दिए हैं और सपोर्ट किए हैं क्या ये जीत सुनिश्चित करा पाएंगे या नहीं। पहले सबसे पहले तो आपको चैनल में स्वागत है भैया। मैं आपके चैनल से अपने तमाम काराकाट के वासियों को नौजवान भाइयों को माता बहनों का हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। कहाँ कहाँ घूम लिए और पवन सिंह को कितनी जीत सुनिश्चित करा रहे हैं? मैं 6 विधानसभा घुमा हूँ। पवन सिंह की जीत सुनिश्चित है। पवन सिंह की लड़ाई किसी से है ही नहीं है। पवन सिंह अपने आप में जीत चुके हैं। जो भी लड़ाई है दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर लाने के लिए जितनी भीड़ जुटी थी कल परसों तरसों लगातार बढ़ती जा रही है और विपक्षों का दावा है कि ये भीड़ सेल्फी लेने वाले और सेलिब्रिटी को देखने वाली है। कल परसों की बात नहीं, हम लोग जब से शुरू से आए हैं पिछले महीने में 23 तारीख से पवन जी जब से आए हैं हमारे काराकाट में उस समय से लेकर आज तक हैं लोग और आगे तक बने रहेंगे। पवन सिंह कोई चुनाव तक ही यहाँ पर सीमित नहीं है। पवन सिंह आपकी सेवा करने के लिए 5 साल आए हैं और 5 साल सेवा करेंगे और अच्छा काम करेंगे, पूरा जनता उनको आशीर्वाद देगी। निर्दलीय कह रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि निर्दलीय हैं और अन्य जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, इस पर क्या कहेंगे? वो तो समय बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। पवन सिंह चुनाव जीत चुके हैं और पवन सिंह जी जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। अगर आप तमाम लोगों की जिसमें राय होगी जिस पार्टी में राय ले जाने की होगी वो विचार करके आगे विमर्श करेंगे। 2 दिन बच्चे हैं और वोटिंग का अपने जनता से लोगों से क्या अपील है? मैं तमाम लोगों से अपने सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले 1 तारीख को पहले वोट करें फिर जलपान करें और कम कैची के निशान पे ये करें किसी के भेदभाव में ना आए। आज पवन सिंह जी यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि 12 नंबर क्रमांक पे कैची का निशान है, वहाँ पे बटन दबा के भारी से भारत मतों से विजय बनाए। हम बात कर रहे थे कक्कू खान जी से, ये वही कक्कू खान है जो इनकी 2010 के आसपास में क्षेत्र में तूती बोलती थी लेकिन कुछ समस्याओं के कारण, कुछ खामियों के कारण जेल भी जाना पड़ा था इनको, लेकिन जब से जेल से बाहर आए हैं पवन सिंह के सपोर्ट में लगातार बड़ी बड़ी मंचों को साझा किया है और मुसलमान होने के बावजूद भी पवन सिंह को समर्थन दिए हैं। देखना यह होगा कि आने वाले वोटिंग के दौरान और रिजल्ट के दौरान इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है।